और हम मित्र स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों श्री विष्णु भगवान जी की मूर्ति को कलर पेंट करना सीखेंगे तथा कलर पेंट करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों इस बनाने का मूर्ति नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप टाइटल पर क्लिक करके देख लीजिएगा वहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। पहले तो दोस्तों इसी प्रकार से व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं। आप लोगों के पास व्हाइट कलर ना हो तो चूने का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी प्रकार से व्हाइट कलर से सब तरफ पेंट कर देते हैं। दोस्तों मैंने व्हाइट कलर आधा मूर्ति को ही कलर करके दिखाया है। दोस्तों इसी प्रकार से सब तरफ पेंट कर देंगे। पेंट कर देने के बाद दोस्तों अभी शरीर को पेंट करने के लिए कलर को मिक्स करना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले तो व्हाइट कलर लेंगे थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ब्लू कलर को मिला लेंगे तो कुछ इस प्रकार का कलर बन जाएगा। तो इसी को हम विष्णु भगवान जी की शरीर के सब तरफ पेंट कर देंगे। और एक बात मित्रों, हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा अंत तक। शरीर के सब तरफ पेंट कर देने के बाद अभी पेंट कर रहे धोती के ऊपर। धोती के ऊपर मैंने यहाँ पे येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों आप चाहो तो और भी कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन शरीर के साथ मैचिंग नहीं होना चाहिए तो इसी प्रकार से कलर करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा तो येलो कलर, तो इसलिए यह येलो कलर ही यूज़ किया हूँ दोस्तों। और फोल्ड और भी निकल कर दिखाई देने के लिए यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का यूज़ किया हूँ। अभी दोस्तों धोती को पेंट कर देने के बाद बालों के ऊपर ब्लैक कलर से कुछ इस प्रकार से पेंट कर देंगे। शरीर का ज्वेलरी को पेंट करने के लिए गोल्ड कलर बनाना पड़ रहा है दोस्तों। मेरे पास तो गोल्ड कलर नहीं है इसलिए यहाँ पे मिक्स करके बनाया हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्राउन कलर का और थोड़ा सा येलो कलर का, तो इसी प्रकार से दोनों कलर को मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार सा कलर बन गया। तो इसी को मैं गोल्ड पे पेंट कर दे रहा हूँ सब तरफ कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से बन रहिएगा मित्रों। मैं मिलता हूँ आप लोगों को वीडियो के अंत में, तब तक वीडियो को एंजॉय करते रहिए। Thank you.
अभी दोस्तों कागज का कोमल पूर को कुछ इस प्रकार से वहाँ पे चिपका देने के बाद हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधा राधा दोस्तों। और ये देख सकते हो दोस्तों फाइनल लुक हमारे विष्णु भगवान जी की।